हे गाइस, वेलकम बैक टू हर्षिल ऑफिशियल। आज सबसे पहली बात, जो नए आए हैं स्टूडेंट्स या फिर जो नए कपल जो पीआर आ रहे हैं, उनका वेलकम टू कनाडा। और जो आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअल में अभी करंट सिचुएशन के ऊपर, करंट चीज जो चल रही है पूरे कनाडा के अंदर, खासकर सोशल मीडिया में, तो उसके बारे में आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ चीजें, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। और जो मैसेज वगैरह मुझे आते रहते हैं, तो बल्क में मैसेज आ रहे हैं, बट मैं रिप्लाई बहुत कम का कर पा रहा हूँ, मुझे ही पता बात तो सही है। है। तो इसीलिए एक ये ऐसी वीडियो होगी जिसमें आपके सबके हाँ आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स इन टुडेज वीडियो, जॉब्स एंड अकोमोडेशन। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अकोमोडेशन। हालांकि मैं ही एकोमोडेशन के ऊपर कम से कम 4-5 वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। जो अभी करंट सिचुएशन जो सोशल मीडिया में चल रही है या फिर पूरे कनाडा में जो चल रही है, उसके बारे में बात करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि हमें सिंगल रूम चाहिए, हमें मलयाली चाहिए, बंदा अगर कोई शेयरिंग में है तो मुझे कोई गुजराती या पंजाबी, कुछ भी हो, ठीक है। सबसे पहले आप एकोमोडेशन ढूंढो। इस टाइम एकोमोडेशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं भी जानता हूँ, बहुत मैसेज आते हैं। कहीं पर भी आपको अगर शेयरिंग में मिल रहा है तो बेस्ट, मतलब मैं तो कहूँगा शेयरिंग में जाओ, आपको आपके पैसे भी बचेंगे, आपको एक रूम भी मिलेगा, आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। हो सकता है उस वाले घर में पहले से जो लोग रह रहे हैं वो आपसे पहले वाले इनटेक में आए हैं या फिर 1 साल पहले आए हैं, तो उनसे आपको हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप बस एक जल्दी से घर लेकर वहां पर अपना सेटल डाउन हो जाओ। मस्त प्लान है। तो इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है वो है आपकी जॉब से रिलेटेड। तो मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप आओ पहले सिटी में रहो, थोड़ा आप सेटल डाउन हो, आप जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में हैं, आप पहले वहां पर अपने कोर्सेज का देखो, अपना पूरा देख लो पहले अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर आप जॉब ढूंढनी चालू करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप कहाँ पर रह रहे हो, वहाँ के आसपास कोई आपको रेस्टोरेंट या कहीं पर भी आपको जो जॉब अप्लाई करनी है, आपको वहीं पर ही पास में कुछ मिलता है तो बेस्ट है। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले आप खुद सेटल डाउन हो, जॉब यहाँ पर आकर आ चुके हो, तो पहले सेटल डाउन होके फिर आप जॉब के लिए ढूंढना स्टार्ट करो। तो ये वाला जो पॉइंट है ये जॉब से रिलेटेड ही है। तो आते के साथ ही आप जब सेटल डाउन हो रहे हो, सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, तो आप पहले अपने लाइसेंस, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस हैं उन पे काम करो। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस हो गया, फर्स्ट एड सीपीआर सर्टिफिकेट हो गया, स्मार्ट सर्व हो गया, फूड हैंडलर हो गया, फोकलिफ्टर, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाइसेंस जो आपको ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं करेंगे। आप आते ही अगर ये वाले लाइसेंस लेना चालू करोगे तो आपको जॉब मिलनी बहुत ज़्यादा इजी है। और अगर आपको ये इन सबसे अलग, जैसे PSW का हो गया, तो PSW के बारे में आप पहले जाकर रिसर्च करो इंडीड पे या फिर लिंक्डइन पे, कौन सी कहाँ पर जॉब अवेलेबल है और उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए। तो जब आप अपने जब आप जॉब प्रोफाइल देखोगे तो उसमें क्या जो भी रिक्वायरमेंट जो आपके लाइसेंस होंगे वो लिखे होंगे, तो आप उनको जाकर सर्च करो कि वो आपको कितने कॉस्ट पे, कितने ड्यूरेशन में हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से जॉब बहुत ज़्यादा इजीली ढूंढ सकते हो। तो जॉब अप्लाई करने के लिए जो कनेडियन स्टाइल रिज्यूमे जो आपको चाहिए होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको हर्षिन ऑफिशियल के जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उसको कॉपी करो, अपने एडिट वगैरह करो, जो भी आपका नाम, आपका जो भी क्वालिफिकेशन हो, जो भी आपकी अवेबिलिटी है, तो उसमें आपको फिर जब भी आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो तो उसको पता है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल हो, तो आपको वो उसी टाइम का बता देगा कि हाँ हम दे पाएंगे आपको जॉब, नहीं दे पाएंगे, या जो भी होगा वो बता देगा। तो जब आपका ब्रेक होता है, जो भी आपका सेमेस्टर ब्रेक वगैरह होता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, तो उसके बीच में आप, जैसे मैंने अभी बताया सिक्योरिटी गार्ड का अगर लाइसेंस लेते हो तो ट्राई करो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप जा सकते हो। उससे पहले वही सेम चीज़ है, आपके पास लाइसेंस होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, सीपीआर सर्टिफिकेशन वगैरह होगा, तो फिर आप उसको वहां पर जाकर वो कर सकते हो। वहां पर पे भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। या अगर आपको सिटी में ही कोई मिल जाती है कंस्ट्रक्शन में, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हो।
यहाँ पर बहुत काम होता है, रूफ का, चाहे बेसमेंट्स का, तो कहीं पर भी आप काम कर सकते हो। सर्दियों में एक और अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे लिए तो ठीक है, जैसे ना यहाँ पर बर्फ बहुत होती है, तो बहुत सारे लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं हमारी सिटी में खासकर, तो उनको कोई शॉवल करने वाला चाहिए, तो आप जाकर उनसे बात कर सकते हो, आपको वो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। जोर जोर से बोल अरे के लोगों को स्कीमें बता दे। अब डोर टू डोर जाओ, उनसे बात करो, उनसे आप कहो कि हाँ भैया हम आपका ये काम कर देंगे 1 घंटे में 2 घंटे में, दे विल गिव यू सम मनी, तो वो एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। कंट्रोल जैसे हम बात करते हैं कि हमें रेस्टोरेंट में काम नहीं करना या फिर हमें होटल में काम नहीं करना, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, बट मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि इन वाले प्लेसेस पे जरूर जाओ, काम करो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो टिप्स मिलती हैं वो कैश टिप्स होती हैं, और काफी अच्छा बड़ा अमाउंट आप कर सकते हो, बचा सकते हो पैसा ही पैसा होगा। अपनी टिप्स से ही। सिर्फ जो आप काम कर रहे हो वो अलग है, ठीक है, और यहाँ पर जो कल्चर है पूरे कनाडा का, वो आप अगर कोई इंसान $10 का भी खाना मंगवाता है तो आपको मिनिमम $2 तो टिप देगा ही देगा, ये एक एग्जाम्पल है। तो टिप कल्चर है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप किसी होटल इंडस्ट्री में जाकर काम करो, आप फूड डिलीवरी अगर हो सकता है तो फूड डिलीवरी में काम करो। अब जैसे आगे धीरे धीरे ठंड आ रही है तो आप आते ही गाड़ी नहीं ले पाओगे, तो फूड डिलीवरी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ ये दो तीन चीज़ें जो जो भी आपको फूड इंडस्ट्री है उस पर जाकर आप जरूर काम करो। ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर जॉब अप्लाई कर रहे हो, 1 महीना नहीं है, कुछ कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, 2 महीने कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, लोग भी कह सकते हैं यहाँ पर कि भैया हम पिछले सेमेस्टर के आए हुए हैं और हमें आज तक जॉब नहीं मिली मिली, अरे तू जा रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप अपने दिमाग को बस खुला रखो, हमें सब काम करने हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलती। लास्ट वीडियो जो मैंने एक ली थी हरजोत का इंटरव्यू, उसको आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे और उसके हाथ में जॉब है एक्चुअल में, तो वो हर एक काम के लिए तैयार है। तो ठीक है भैया, आपको अगर आप पहले से ही अपने एक कैप बना लोगे कि नहीं मुझे इस लेवल से नीचे नहीं जाना, अब्बा नहीं मानेंगे। तो फिर जॉब मिलनी बहुत मुश्किल, थोड़ी सी मुश्किल है, तो कोशिश करो। और अगर कोई कहता भी है ना कि जॉब नहीं मिल रही या फिर बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है होता है, सब कुछ होता है, बट उससे डीमोटिवेट मत हो, आप ट्राई करते रहो, आप थोड़ा सा हसल आएगा, ठीक है हम अपने जो एक्सपेंसिव है वो मैनेज करके चलेंगे, तो हमें जल्दी से सब कुछ हो जाएगा। तो कीप हसलिंग, डोंट सिट एट होम एंड थिंक अबाउट के यार मैं ऐसे अच्छा था या मैं वैसे अच्छी थी, सब हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो का बस यहीं पर ही एंड करते हैं। जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है सोशल मीडिया और पूरे कनाडा के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है, क्यों हिला डाला ना। और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है टाइम लग सकता है बट ट्राई करते रहो जॉब के लिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक लिख पाए।